हम जाएंगे हैदराबाद, तो जिस फैमिली के पास हम रहते हैं तो तकरीबन कोई 5-6 दिन हो गए इस फैमिली के साथ हम रहते हैं। तो ये लड़का और मैं दोनों हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो इसका भाई रहता है आउट ऑफ कंट्री में, तो उसके लिए इधर से कोई चीज़ें भेजते हैं। तो इधर से कोई लड़का जा रहा है, तो वो तकरीबन शाम को 4:30-5 बजे हमें चीज़ें देनी है। तो तकरीबन दिन के बज रहे 3, तो उस टाइम तक हम पहुँच जाएँगे हैदराबाद। तो हैदराबाद में वो चीज़ें देकर हम आ जाएंगे वापसी। तो इसी फैमिली के साथ हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इज़्ज़त दे रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि इसको हमें जवाब दे दूँ। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं हैदराबाद। तो ये मैं आपको दिखा दूँ टमाटर की खेत, तो इसमें छोटे छोटे टमाटर लग गए हैं लेकिन कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हैं। तो जब पक जाएंगे तो इधर टमाटर वगैरह ये सारे कुछ हमारे फ्री हो जाएंगे। तो जिस फैमिली के पास हम रहते हैं इनकी ज़मीन अपनी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, 15-20 एकड़ इनकी अपनी है। अब ना हम इधर ही हैं, इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते ना आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो ये एक दरख्त है, इसकी छांव में हम रुके हुए हैं, तो मैंने थोड़ी में वीडियो बना लो, तो उसी के बाद हम जाते हैं हैदराबाद। तो अब निकलते हैं हैदराबाद, तो आगे जाके आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, वो लड़का वगैरह हमें मिलता है कि नहीं। और ये जो आप कच्ची बाउंड्री देख रहे हैं गाइस, ये सारी रेत है, जैसे हम पहले इलाके में रहते थे ना उस तरह की रेत है। तो इधर भी आसपास के मतलब इलाके हैं उधर रेत ज़्यादा है, और इधर का इलाका ना बहुत ही बहुत अच्छा है। ये जो हम जा रहे हैं इस साइड माशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा है, केला हो गया और आम का बाग हो गया और बहुत सारे बाग और अच्छे अच्छे रोड। यकीन करें गाइस, शाम का मौसम हो गया, इतना अच्छा लग रहा है, ये रोड बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत। हैदराबाद हम जा रहे हैं, तो ये बीच में एक नलका है, इधर से हम पानी शानी पीते हैं, बाद में धुलाई करते हैं, उसी के बाद आगे जाएं। जाएँ जब पाँव शाम धुलाई करते हैं, मतलब धूप ने अच्छा खासा है, तो ये ना मेरा पाँव भी सूज गया है, एक जीत था उसने काट दिया, ये देखें हाथ मोन का धुलाई कर दी है। अब ना हम निकल रहे हैं आगे हैदराबाद। तो अब ये मैं आपको नहीं बता रहा कि हम कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन कहाँ से आ रहे हैं तो बीच विस्टा वगैरह के नाम में नहीं बता रहा। तो पहले ही भी आपको पता है छोटे मोटे मसले हो रहे थे, तो उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पूरी एड्रेस अपने घर की बताऊं। इधर नलके लगे हुए थे, इधर से हमने हाथ मुँह धुलाई कर दी है, अब हम जा रहे हैं आगे। तो इधर से हम आए और इधर आगे हम जा रहे हैं। तो अब ना गाइस हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, तो ये आंटी के लड़का कह रहा था कि आप मेरे साथ हैदराबाद चलें, क्योंकि मेरा ज़्यादा देखा हुआ नहीं है कि मैं मतलब आगे पीछे ज़्यादा चलूँगा, तो पैर मुझे वो स्टाफ वगैरह मिलेंगे। तो दिल में मैंने सोचा कि मैं पूरा हैदराबाद घुमा हुआ, वो मुझे पता है, ये हैदराबाद बिल्कुल हमें नज़दीक लगता था, पूरी उम्र हमारी इधर गुजर गई लेकिन पैर भी हमने हैदराबाद भी पूरा नहीं घुमा। तो अब हम हैदराबाद पहुंच गए हैं, हैदराबाद फतेह चौक, तो मेरे ख्याल फतेह चौक है, तो इसी से ना हम आगे जाएंगे। एक स्टाफ है वादुवा, तो वादुवा पे एक बंदा आएगा, तो वो ना हमें उनको ना हम ये सारी चीज़ें देंगे। तो इधर से ना कोई इधर से ये जो फैमिली है ना, ये कुछ चीज़ें ना अपने भाई के लिए भेज रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, यूके में या यूएस में वहाँ कहीं रहता है, उनके लिए भेज रहे हैं। तो ये आगे फतेह चौक, इधर ना हम ये सीधा आगे वाले रोड में लेके हम जाएंगे, और आगे भी आपको कुछ हैदराबाद के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। ये अंदर है अंदर, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, यकीन करने का कभी कभार ख्याल ऐसे आते हैं कि मैं खुदकशी कर दूँ, ये वो, लेकिन पैर में दिलासा देता हूँ, ये ज़िंदगी है ना, कभी खुशी कभी गम, ये आते रहते हैं, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। कुछ दिन पहले ना हम इसी मॉल में आए थे, आप दोस्तों ने देखा होगा, तो उसका नाम ही अच्छा था तो मैं भूल गया, तो अभी नाम शाम देखने में नहीं आ रहा, वरना इधर पढ़ के मैं आपको दिखा देता। अंदाजे पे ना हम जा रहे हैं इधर, तो मेरे ख्याल इधर आगे ही है, तो क्या बताए, वादुआ पे ना वो बंदा आएगा, तो उधर हम ये सारी चीज़ें देंगे। ये वाला जो रोड जा रहा है ना इधर, ये ज़्यादा बदी नहीं स्टाफ को, थोड़ा बहुत मुझे पता है, इधर हम आगे जा रहे हैं। वादुआ का पूछ रहे, तो चाचू कह रहे आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा कौन सा रोड जाएगा, तो अभी उस लड़के को बता रहा है, तो इधर की तरफ से मतलब वादुआ का रोड निकलेगा, तो वादुआ पे हम इंतजार करेंगे। तो वो भाई आ रहा है सखर से, तो सखर से इधर आएगा, तो उसी के बाद मेरे ख्याल आगे कराची जाएगा, तो इधर वादुआ पे हम इंतजार करेंगे। ये आपको मैडम पता नहीं ये कौन सा इलाका है, तो हमें तो पता नहीं चल रहा। हम पहुंच गए बड़ी मुश्किल के बाद, तो इधर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ मैंने फिल्मों में देखी थी, कभी चढ़ा नहीं हूँ, तो उसके ऊपर चढ़ के ना थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो अभी वो सखर से आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा सखर से आने में, तो 10-15 मिनट आधा घंटा ना हमें इधर इंतजार करना पड़ेगा। तो वो लड़का नीचे ना बाइक के ऊपर खड़ा है, वो बाप रे इधर से मोटरसाइकिल भी आ रही है, मैंने समझा कि खाली बंदे आ रहे हैं, नहीं मोटरसाइकिल उस तरफ से आ रही है, मोटरसाइकिल इधर से जा रही है भाई। ओए ये तो रोड ही अच्छा बना हुआ है, ये मोटरसाइकिल के लिए बना हुआ है, ये ना बाइक के लिए सीढ़ी बनी हुई है, और ये ना हमारे लिए। तो माशाल्लाह गाइस बहुत अच्छा लग रहा है,
ये जब मैंने नज़ारा देखा है तो इस तरह मुझे लगता है हम एक रेस्टोरेंट थे उस पर ना हमने खाना खाया था भाई। कोई मोटरसाइकिल वाला ठोक ना दे, नीचे उतर जाता हूँ तो ज़्यादा जाम जाए भाई। इधर उतर जाते हैं बहुत खतरा लग रहा है। ये जो रोड है ये आगे कराची जा रहा है, ये मेरे ख्याल लास्ट सखर जा रहा है। इधर से ना आगे कहीं से ना हम ऐसे गए थे, वो किरियो फैमिली थे ना उसके पास, तो इधर किधर आगे रेस्टोरेंट है उस पर हम गए थे। वो बंदा ना अकेला लड़का, उसको भी ज़्यादा डर लग रहा है, रशियन ज़्यादा ये ना मतलब गांव के रहने वाले ज़्यादा शहर वगैरह में नहीं आते, मुझे भी लग रहा है। अपने मैं उसके पास जाता हूँ तो इंतज़ार करते हैं। टेंशन है वापसी वाला, तकरीबन इधर से हमें कोई घंटा डेढ़ लग जाएगा वापसी पहुँचते हुए। घंटे डेढ़ में हम वापसी पहुँचेंगे तो हमें रात हो जाएगी, तो ये थोड़ा मसला हो जाएगा। देखेंगे अल्लाह पाक खैर करेगा। दो बंदे हैं तकरीबन 6 से 10 मिनट कम है, तो वो बंदा कह रहा है कि 6 बजे में पहुंचूंगा, तो 10 मिनट ना अभी भी हम इधर इंतज़ार करते हैं। तो वो लड़का उधर पीछे खड़ा, तो उसने कहा कि आप जाएं कोई चीज़ लेके आए खाएं, तो उस तरफ मतलब कोई खाने के लिए चीज़ नहीं थी, तो इस तरफ आया हूं कोई चीज़ मिल जाती है खाने के लिए तो लेके जाता हूं, तो मिल के हम दोनों खाते हैं, तो नहीं मिलती तो फिर वापसी जाता हूं। तो रात होने वाली, तकरीबन सूरज ढल गया है, तो अभी पीछे जो हम जाएंगे वापसी तो वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पुलिस वाले होते हैं ना वो तंग करते हैं ज़्यादातर, बाकी और कोई खास टेंशन नहीं है। तो अभी ना हमें पुलिस वालों ने रोका और उनको ना हमने 200 रुपये दिए, तो 200 देने के बाद हमें छोड़ दिया। तो कह रहे थे चालान हो गया, तो चालान पर्ची वगैरह कुछ नहीं थी। इधर रिश्वत में सरेआम चलती है, रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत लेते हैं ऐसे नहीं कहते, वो कहते चाय पानी करवाओ, चाय पानी मतलब दूसरा नाम रिश्वत। आलू चिप्स और 2 समोसे ले लिए, 150 रुपये मुझे दिए तो 150 का मैंने ले लिया। इधर बैठे बैठे मैंने सोचा एक सवाब कर लेते हैं, ये एक आंटी इसी के साथ एक छोटी बच्ची है, तो ये लिफ्ट मांग रहे हैं, कोई बस वाला नहीं रोक रहा, तो मैंने इसको रक्षे में बिठा दिया है। अब नहीं ये थाना बुला खान जा रहे हैं, तो ये भाई भी आ गए कार वाले, तो ये सारी चीज़ें हमने दे दी, अब नहीं ये भी जा रहे हैं। ये कार थी तो हमने सारी चीज़ें दे दी, तो अपनी ये कार चली गई है, तो 6:30 हमें हैदराबाद में हो गए, अपने हम वहाँ से जाएँगे, मुझे लगता है 9:30 हम पहुँचेंगे। इधर हैदराबाद में कुछ फैमिली है, वो मेरे जाने पहचानने वाली है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको जाके तंग करूँ, अब हम जा रहे हैं वापसी, और कोई टेंशन नहीं है, पुलिस वालों को टेंशन है, ये ना हमें तंग करेंगे। सुबह वादुवा से हम निकल आए, तो अब ना हम जा रहे हैं, तो अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र शुरू कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जो कुछ हुआ ना वो इंशाल्लाह मैं ना आप सभी को रास्ते में बताऊंगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत डर लगता है, वो सिर्फ पुलिस वालों को लगता है, बाकी और किसी का डर नहीं है। लेकिन सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, रात का सफ़र शहर का सफ़र हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, तो हमें कभी कभार आते हैं शहर, तो वो ना हमें बहुत अच्छा लगता है घूमने शूमने में। रात के गाइस 7 बज गए, तो अल ममताज होटल पे ना हम रुके हुए हैं, तो होटल बहुत बड़ी है, पहले टिश्यू पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी है, तो भाई को मैंने कहा कि इधर नहीं रुकते, कहीं आगे रुकते हैं तो खाना घर जाके खाएंगे, लेकिन भाई कह रहा नहीं घर खाना डेली खाते हैं, तो आज कुछ अच्छा मंगवाते हैं, तो अच्छा कुछ खाते हैं, तो ये टिश्यू पेपर वगैरह ये पड़े, इससे अंदाजा लग जाता है कि चीज़ें इधर अच्छी होगी। तो ये मतलब बड़ी रेस्टोरेंट है, 5-स्टार रेस्टोरेंट है, ये देखें बत्ती जल रही है, ये सिर्फ हमारे पैसों से जल रही है। आपको दिखाना ना भूल गए, तो ये ना 2 रोल है पता नहीं क्या, तो ये ना मंगवा दिए भाई ने, तो ये खाते हैं उसी के बाद अभी कह रहा है और भी मंगवाते हैं, देख क्या मंगवाता, तो ये खुलता पता नहीं कैसे। इधर जो खाना पीना था ना वो हमने खा पी लिया, तो आइसक्रीम का भाई ने कहा, लेकिन आइसक्रीम नहीं मिली, तो आगे जाके देखते हैं कहीं दुकान पर ना आइसक्रीम मिलती, तो आइसक्रीम भाई कह रहा खाएँगे, तो उसी के बाद हम जाएंगे वापसी घर। तो तकरीबन रात के बज गए 7:30, हम तकरीबन 9 के करीब पहुंचेंगे, रात के 9 हो जाएंगे, 9:30। तो अब हम पहुंच गए वापसी घर, तो मैंने अभी थोड़ा उसी के घर के साइड से मैं उतर गया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं थोड़ा वीडियो एडिट करूंगा, तो उस भाई का मैंने कहा मुझे आप इधर उतार दें, आप चले जाओ मैं पीछे आता हूं, तो खाना शाना हमने खा लिया है, तो अब जाके सो जाऊंगा, तो कल पे सुबह घर का काम करना है। तो माशाल्लाह हैदराबाद गए बहुत अच्छा लगा, तो वापसी आते हैं पुलिस वाले एक जगह पे हमें मिले, लेकिन हमें रोका नहीं और कहीं तंग नहीं किया, लेकिन अक्सर से रात को ना पुलिस वाले तंग करते हैं, अक्सर से खड़े होते हैं, तो मतलब कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस दो या कागज़ दो,
या हेलमेट, मतलब एक चीज़ आप दिखाओगे दोगे तो पैर करेंगे, दूसरी दो पैर, तीसरी, वो खास करके देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनको ही तंग करते हैं, बाकी जो अमीर लोग होते हैं उनको तंग नहीं करते। लेकिन सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं, कुछ ना बुरे होते हैं, तो मतलब सबको ना हम बुरा नहीं कहेंगे, तो बस सही है, सब सही है, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो अब ना हम पहुँच गए, तो अब मैं जा रहा हूँ उस फैमिली के घर, तो इंशाल्लाह पैर कल आपको दूसरा व्लॉग होगा उसमें आपको दिखाएंगे कितना काम होता है कितना नहीं, तो अब नेक्स्ट व्लॉग कर देंगे इधर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे लिए आप दुआ करें ताकि हमारे हालात कुछ अच्छे हो जाए।